तनी सा डांस भी करो। नहीं बड़ी बलशाली हूँ, आत्मबल होला कलाकारन के अंदर, कवि के अंदर, गीतकार के अंदर। अब सरकारी सुविधा मिले न मिले, कोनो व्यवस्था मिले न मिले, लेकिन भोजपुरी यहाँ अपने आत्मबल पे आगे बढ़त रहे हैं। वही आत्मबल के आधार पे भोजपुरी आगे बढ़ रहा है। सरकार भी कह चुकल बे कि सारे साक्ष्य आ चुके हैं, सब कुछ उपलब्ध है हमारे पास, अब मजबूरी कौन बा कि भाषा के संज्ञा नहीं मिलत, तो सरकार जाने। क्या लग रहा है भोजपुरी का विकास संभव हो पाएगा सरकारी मदद के बिना, और आगे बढ़ पाएगी इंडस्ट्री? सरकारी मदद मिले, बैलेट मिले, तो भोजपुरी के सम्मान मिली। ऐसे पहले ही आपके सवाल बहुत अच्छा रहा है, वो सवाल पे हम बताऊँ कि अपनी आत्मबल पे भोजपुरी बढ़ रहा बा, अपनी आत्मबल पे एक कलाकार आगे बढ़ रहा बड़े। अगर सरकार के सहयोग रहल तो भोजपुरी दुनिया के मानस पटल पे बहुत बढ़िया भाषा और बहुत बढ़िया साहित्य है भोजपुरी, बहुत अच्छा सम्मान मिली। उन जिनको मौका मिलना चाहिए, जो अपने जरूरी नहीं कि वो नामचीन व्यक्ति हो, अभी शायद हमारे जनरेशन, न्यू जनरेशन में भी ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब यंग आर्टिस्ट होंगे जो कुछ विजन देख रहा है भोजपुरी को लेके, जो कुछ सोच रहा है, तो कुल मिला के लॉबिंग के वजह से वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हम लोग बहुत ऑब्लाइज्ड हैं, हमको बहुत खुशी होती है जब जो लोग गवर्नेंस में हैं वो लोग हमारे क्षेत्र पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है। तो इस पर जब गवर्नमेंट की पर्सनल नजर है तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतना